ये देखिए गाइज, आज का हमारा ये नाश्ता यम्मी और टेस्टी सिर्फ छोले चने से हम बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, किस ट्रिक से बनाएंगे, और वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। इसमें एक अमेजिंग सी सिंपल सी चटनी बताएंगे जो कि बहुत 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 टेस्टी लगेगी आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि ये हमने कैसे बनाई है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं काबुली चने की दो रेसिपियाँ एक साथ देंगे, तो आप देखते रहिएगा, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। तो देखिए, हमने कुछ 4 से 5 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है देखिए, और अब हमने ले लिया 3 से 4 आलू, 3 आलू ले लिए हमने, और 2 मीडियम साइज, 1 बड़ा थोड़ा सा प्याज है, और 1 छोटू सा प्याज है, और ये 2 हरी मिर्च, और 1 कटोरी फूले हुए चने हैं काबुली, जिनको हमने हाफ कटोरी ओवरनाइट के लिए भिगो करके रख दिया था, तो वो फुल कटोरी बन गए। तो ये देखिए, डाल देंगे इसमें सारा सामान अपने। अब गाइस, इसकी हम लिड बंद करके लगा लेंगे सीटी। इसमें पानी डालेंगे, जितने हमारे काबुली चने थे 1 कटोरी, तो 1 कटोरी हमने पानी ऐड किया है, और अब हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, या क्योंकि नमक डालने से ना चने वगैरह जल्दी बॉयल्ड होते हैं, इस वजह से नमक डाल देंगे। 1 स्पून के करीब हमने डाल दिया है, जो कि हमारा चने का स्वाद भी बढ़ जाएगा और पक भी जाएंगे, अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो देखिए, 4 से 5 सीटियाँ लगा करके चने अच्छे से हमने बॉयल कर लिए हैं। ये देखिए, मिक्सी के जार में हमने डाल दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से आलू निकाल कर बाहर रख लेंगे, और ये चनों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं, पानी इसमें बिल्कुल नहीं ऐड किया है, बस वही बॉयल करते समय हमने जो पानी ऐड किया था, बस वही पानी है, उसी तरह से हमने कर लिया है, ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं किया है। अब इसको देखिए, ऐसे हल्का हल्का स्पून से चला देंगे, जिससे कि ये पिस जाए। अगर नहीं पिस रहा है, तब आप 1 से 2 स्पून पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। ये देखिए गाइस, हमने बिल्कुल पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसे हमने एक बर्तन में निकाल कर रख लिया है, इससे बनाएंगे हम दो रेसिपियाँ। देखिए, इसमें हम 2 आलू हम अपने इसमें ऐड कर देंगे, आप जितने चाहें उतने, आप सारे चाहते हैं, अगर जैसे ज़्यादा आलू चाहते हैं तो आलू ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मगर हम आलू ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें चने का स्वाद आए, इस वजह से। तो हम सिर्फ 2 आलू हमने ऐड करे हैं। और अब देखिए गाइस, इस बैटर को हम हाफ़ क्योंकि हमें 2 रेसिपियाँ बनानी हैं, तो देखिए हम इस बैटर को अलग से निकाल कर रख लेंगे, आधे से ज़्यादा हम बैटर निकाल कर रख लेंगे, क्योंकि सेकेंड जो रेसिपी बनाएंगे ना, वो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आती है, इस वजह से हम वो बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट रेसिपी हम देख लेते हैं कि हमें क्या बनाना है। कुछ इसमें हम इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। देखिए, ये हमने ऐड किया 1 प्याज, इसको बारीक कट कर लेंगे, जैसे हम पकौड़ियों के लिए कट करते हैं, और बारीक कट कर लेंगे। और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 स्पून, लाल मिर्ची पाउडर, आप लोग समझ गए होंगे, बड़ा बड़ा प्याज कटा तो समझ ही गए होंगे कि चिली फ्लेक्स, कि हम इसकी बनाएंगे क्रिस्पी पकौड़ियाँ। तो ये देखिए, हींग, चावल का आटा 2 स्पून, और अब हमने डाल दिया इसमें बेसन। गाइस, मिक्स किया था, वो बन नहीं रहा था, इस वजह से हमने और इसमें बेसन ऐड किया, देख सकते हैं। इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और हम बनाएंगे अब बेसन। देखिए, बेसन डालना इसलिए ज़रूरी है कि चने जो हमने चावल का आटा ऐड किया, उसकी वजह से क्रिस्पनेस आएगी, आलू की वजह से सॉफ्टनेस आएगी, और बेसन की वजह से बाइंडिंग मिलेगी हमारे बैटर में। इस वजह से हम देखिए बेसन की पकौड़ियाँ एक तरह से बना रहे हैं, लेकिन नए तरीके से। देखिए, प्याज की मात्रा यहाँ पर हमने थोड़ी सी कम करी है, आप चाहें तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से उलटते पलटते हम सेक लेंगे। गाइस, ये पकौड़ियाँ भी बहुत 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 अमेजिंग, बहुत टेस्टी लगती हैं, और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि चने वगैरह में है आयरन वगैरह, आयरन है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो इस वजह से ये बहुत बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से हम देखिए सेक लिए हैं हमने, तो लगभग 5 मिनट लगा है एक बैच सीखने में। तो ये देखिए, इस तरह से हम अलग साइड में निकाल कर रख लेंगे। चलिए अब हम अपना बनाते हैं दूसरा इंग्रेडिएंट। तो देखिए, इस तरह से हमने जो बैटर निकाल के रखा था, उसको हम उसी पतीले में डाल देंगे, और देखिए फिर हमें आगे क्या करना है। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा 2 स्पून, और अब हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा। पहले हम डालेंगे 3 स्पून, क्योंकि हमें ज़रूरत लगेगी, फिर हम आगे और भी ऐड करेंगे आटे को,
क्योंकि हमको सख्त डो बनाना है, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि हम इसकी बनाने जा रहे हैं कचौड़ियाँ। तो देखिए, धनिया पाउडर, हींग, देखिए इंग्रेडिएंट सारे के सारे वही हैं जो हमने पकौड़ी बनाने में डाले थे। लाल मिर्ची पाउडर, क्यों? क्योंकि बस सेम है, बस में बेसन की जगह पर हमने आटा लगाया हुआ है और इसमें थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया हुआ है, क्योंकि कचौड़ियों में हमने आटा ऐड किया हुआ है, इस वजह से उसका नमक कम हो गया है, इस वजह से डालेंगे। और एक बात गाइस, कचौड़ियों में थोड़ा सा खट्टास लाने के लिए हमने डाल दिया है चाट मसाला भर करके 1.5 स्पून। तो ये देखिए, अब इसका हम लगाएंगे डो इस तरह से मिक्स करते हुए हाथों से। ये देखिए गाइस, इस तरह से हम लगा लेंगे डो इसका अच्छे से। और इसका हमें हार्ड डो लगाना है। अगर आप सॉफ्ट डो लगाएंगे तो गाइस इसमें जो हमारी कचौड़ियाँ होंगी वो तेल को पीने लगेंगी। तो देखिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखिए, डो हमारा अच्छे से लग गया है। इस पर थोड़ा सा ऑयल की कोटिंग कर देंगे, जिससे कि ये हमारा ऊपर से सूखे नहीं और सॉफ्ट बना रहे। ये देखिए, अब इसको हमने 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ेंगे और सिंपल हम अपनी बना लेंगे कचौड़ियाँ। देखिए, चिपके अगर तो आप थोड़ा सा सूखा आटा ले लीजिए, इस तरह से लगा लीजिए और सिंपल बेल लीजिए। देखिए, ये सब चीज़ें ना बच्चों को, बच्चे चने वैसे नहीं खाएंगे, आप सब्जी में दीजिए तब भी नहीं खाएंगे, या ऐसे सिंपल दीजिए तब भी नहीं खाएंगे। अगर इस तरह से कोई रेसिपी बना के दीजिए ना, बच्चे जान भी नहीं पाएंगे और आराम से खा लेंगे। तो देखिए, इसको हम बेलन की सहायता से बेल लेंगे, रोल कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतली नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, इस तरह से मीडियम कंसिस्टेंसी की बेलनी है हमको। देखिए, ये बिल चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल हमने पहले ही रखा था पकौड़ियों के लिए, तो वही ऑयल हम ले लेंगे। फ्लेम को करेंगे ऑन और धीमी फ्लेम पर गर्म कर लेंगे अपनी कढ़ाई को। तो इसमें हम डालेंगे डो का थोड़ा सा पार्ट, जिससे ये पता चल जाए कि हमारा डो ऑयल गर्म हो चुका है। तो देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है, हमने अपनी कचौड़ी को डाल दिया है और इसको अब हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे जब तक ये ऊपर तैर कर खुद अपने आप नहीं आ जाती। तो देखिए, अब ऊपर आ चुकी है। तो अपनी करछी से या एक स्पून से ऐसे हल्का हल्का अंदर की तरफ दबाते रहेंगे धीरे धीरे, तो इससे क्या होगा, हमारी कचौड़ी फूल कर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारी कचौड़ी फूल कर आ गई है अच्छे से। अब इसको हम धीमी फ्लेम पर कुक करेंगे, जिससे कि ये क्रिस्पी बनेगा। इसमें जो हमने चावल का आटा डाला है उसकी वजह से क्रिस्पीनेस आएगी, और जो आलू ऐड किया हुआ है उसकी वजह से अंदर सॉफ्ट रहेगी कचौड़ी हमारी। तो बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनती है, गरम गरम आप इसे खाएं, चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। गाइस देखते रहें, फिर एक बार बोल रहे हैं, वीडियो पूरी देखते रहें। बहुत यम्मी सी चटनी लाए हैं, जो कि सिंपल और बहुत यूनिक है। तो देखिए, इस तरह से अब हमने इसको निकाल लिया है। अब हम दूसरी इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको भी हम पका लेंगे। तो देखिए, ये पूरी भी हमारी कचौड़ी भी फूल कर आई है अच्छे से। तो अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी सेक लेंगे। देखिए, इसी तरह से सारी अब हम सेक लेंगे। तो देखिए, बन चुके हैं। चलिए, तो अब बता देते हैं आपको चटनी। और ये देखिए, लाल मिर्च, सॉरी हरी मिर्च, और ये हमने कच्चा आम या कच्चा कैरी ले रखा है, और इसमें हमने 2 स्पून सौंफ डाल रखी है। गाइस, ये सब तैयारियाँ हम प्रिपरेशन पहले से ही करके रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से बस प्रिपरेशन करके रख लेते हैं और तुरंत ग्राइंड कर लेते हैं, अगर ग्राइंड करने वाली कोई रेसिपी है तो। तो देखिए, इस तरह से हमने कर लिया है। और देखते रहिएगा, इसको हम खट्टी और मीठी दोनों तरह से बनाएंगे। आप गाइस, में आप नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। अगर आप धनिया पत्ती या फिर पुदीना ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, सौंफ, सॉरी जीरा ऐड करेंगे, क्योंकि जीरा हम भूल गए थे डालना, तो जीरा ऐड कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, जिससे की वजह से कि हमारी चटनी ग्राइंड हो जाए अच्छे से। तो बस ये देखिए गाइस, ग्राइंड हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, इसको खट्टी और मीठी हम दोनों ही बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम एक बाउल में निकाल करके रख लेंगे। तो ये देखिए, हमने निकाल ली है, जितनी हमें खट्टी चाहिए उस हिसाब से निकाल ली है, और थोड़ी सी चटनी हमने इसमें बची रखी है। तो इसमें हम डालेंगे चीनी, जो 1 से 1.5 स्पून, या आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी ऐड कर सकते हैं। और अब इसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, ये हमारी मीठी चटनी बनकर तैयार है, जो खट्टी मीठी है। तो ये देखिए, दोनों ही चटनियाँ बनकर तैयार हैं, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगती हैं। और गाय, इस समय ये चटनियाँ तो ज़रूर खानी चाहिए। तो चलिए, अब सर्व करते हैं इनको अपनी कचौड़ी और पकौड़ी के साथ। तो चलिए, सर्व कर देते हैं। ये देखिए गाय, हमने अपनी मीठी चटनी सर्व करी है,
और ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ और कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं, इतनी टेस्टी और इतनी यम्मी, और गाइस क्रिस्पी भी काफ़ी हैं। अगर आप ताज़ी खाएंगे तो